जम्मू कश्मीर के पुंछ में चौतरफा आतंकी हमला, सुबह 7 बजे से चल रही है सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, छोटे सचिवालय को आतंकियों ने बनाया निशाना। दूसरे हमले में लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकवादी एक मकान में घुसे, घर में पति पत्नी ने खुद को कमरे में बंद किया है, उनके आतंकियों की जानकारी। पुंछ एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल शहीद, एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 घायल, रुक रुक कर की जा रही है फायरिंग। LOC के पास नौगाम में जवानों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, पुंछ में सेना ने 1 आतंकी को मार गिराया। कश्मीर में जारी हिंसा, पुलवामा के करीमाबाद में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 19 CRPF जवान घायल। कल घाटी में मारे गए थे 2 प्रदर्शनकारी, अलग अलग घटनाओं में कुल 110 लोग हुए थे घायल, हिंसा में अब तक कुल 80 की मौत। अब विधायक अमरतुल्ला के खिलाफ जामिया थाने में केस दर्ज, साले की पत्नी ने विधायक पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप। अमरतुल्ला पर दहेज उत्पीड़न समेत कई धाराओं में केस दर्ज, सबूत के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें पुलिस को सौंपी। अमरतुल्ला ने कहा, वक्फ बोर्ड से भ्रष्टाचार मिटाने की मिली सजा, आपसे जुड़ा होने के कारण दर्ज किया गया मुकदमा। अमरतुल्ला के बचाव में आई आप पार्टी, इस्तीफे को स्वीकार करने से किया इनकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, लड़की की जासूसी के मामले में मांगे जवाब। आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज, एम्स की दीवार तोड़ने के लिए उकसाने का आरोप। पंजाब में अमरजीत सिंह को रूपनगर विधानसभा सीट से टिकट देकर फिर घिरी आम आदमी पार्टी, अमरजीत पर नाबालिग ट्रेनी ड्राइवर से कुकर्म और टॉर्चर करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कि घोषित 32 उम्मीदवारों में से 24 उम्मीदवारों का एक आला इतिहास, 2 करोड़ रुपए में आपका टिकट बेचे जाने का आरोप। लुधियाना में आप कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन, जबकि मोगा में आज रैली कर किसानों का घोषणा पत्र जारी करेंगे केजरीवाल। पंजाब के तरन तारण में आम आदमी पार्टी के लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, पार्टी के रवैये से नाराज। दिल्ली के नजफगढ़ में आम आदमी पार्टी के खिलाफ MLA देवेंद्र सहरावत ने खोला मोर्चा, कहा पार्टी को सच्चाई पसंद लोग नहीं चाहिए। आजमगढ़ में राहुल का रोड शो, स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि। किसान रैली के दौरान राहुल ने खेला दलित का कार्ड, गरीब दलित के घर जाकर खाया खाना। राहुल गांधी को उलेमा काउंसिल के लोगों ने दिखाए काले झंडे, बाटला हाउस एनकाउंटर पर राहुल से उनका पक्ष साफ करने की कर रहे थे मांग, पुलिस ने लिया हिरासत में। राहुल गांधी को लड़का बोलने पर अखिलेश का जवाब, कहा मुझे पहले राहुल ने बोला था लड़का, जिसका मैंने दिया जवाब। जिंद में अमित शाह की रैली, कहा जाति विशेष की सरकार नहीं, बीजेपी सबको मिलेगा न्याय। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वा सकती है बीजेपी। बाहुबली शहाबुद्दीन का सेवान में जोरदार स्वागत, आपराधिक छवि से जुड़े सवाल पर बोले, ना मैं ठेकेदार हूं ना गुंडा, फिर क्यों आतंक पैदा करूंगा। शहाबुद्दीन ने कहा, मैं बिहार की नहीं लालू यादव की पॉलिटिक्स करता हूं, नीतीश को मास लीडर मानने से क्या इनकार। बाहर निकलते ही दिखी शहाबुद्दीन की हनक, पुलिस वाले ने टोल टैक्स वाले को टोल न मांगने की दी हिदायत। टोल टैक्स पर शहाबुद्दीन की आज तक को सफाई, कहा नहीं शुरू हुआ टोल। बाहुबली शहाबुद्दीन की रिहाई से दहशत में पत्रकार राजदेव रंजन, मर्डर केस में चश्मदीद, शहाबुद्दीन से जुड़े थे हत्याकांड के तार। सिवान में अपने 3 बेटों की हत्या के आरोपी शहाबुद्दीन का स्वागत देखकर छलक उठा एक पिता का दर्द, पीड़ित चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा आज जीते जी मरने का हो रहा है एहसास। चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा जब शहाबुद्दीन नीतीश को मान रहा है परिस्थितिवश मंत्री, तो उन पर क्या करें भरोसा, बिना सरकारी मदद के नहीं छूट सकता था वो। दिल्ली में एक बहादुर लड़की ने बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए, बैग छीन कर भाग रहे बदमाशों का पीछा कर लड़की ने धर दबोचा, चोटिल होने के बावजूद भी नहीं हारी हिम्मत। लड़की से बचकर भाग रहे बदमाश कार से टकराए, अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। जोधपुर में 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत, गले में मिले निशान, हत्या का शक। असम के बगाई गांव में फर्जी दलाल गिरफ्तार, सेना में नौकरी देने का झांसा देकर करता था ठगी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में महिला का शव खंभे से लटका मिला, आत्महत्या का शक। दिल्ली में टूरिस्ट बस में लगी आग, कोई हताहत नहीं, मेट्रो पार्किंग में खड़ी थी बस। पाली में एक हॉस्टल में 2 ग्रुपों में झड़प,
10 मिनट तक युवक की लाठी डंडे से की गई पिटाई। असम के चेनांग जिला में सड़क हादसे में 4 युवक की मौत, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। बूंदी में मुख्य बाजार में व्यापारी से रुपयों से भरा बैग लूटा, धारदार हथियार से किया हमला। बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ी, 1 की मौत, 3 घायल। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का पैदल मार्च, नगर निगम के डिप्टी चेयरमैन का घेराव करने की कोशिश। यूपी के गाजियाबाद में वजीराबाद रोड पर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश के पैर में मारी गोली, दूसरा बाइक चलाकर फरार। गाजियाबाद एनकाउंटर में बदमाशों की गोली से 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल, मौके पर 1 पिस्तौल और 1 कट्टा बरामद। शराबबंदी के बीच सूरत के कडोदरा इलाके में टूटा जहरीली शराब का कहर, 48 घंटे में 15 लोगों की गई जान, प्रशासन को पुणे के लैब में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार। शराबबंदी के बीच गया में धड़ल्ले से जारी है हेरोइन का धंधा, रेलवे स्टेशन के पास 3 बहनों पर धंधा चलाने का आरोप, पुलिस ने 6 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया। झांसी में एक विधायक के बेटे ने की खुदकुशी, कमरे में फंदे से झूलता मिला LLB के छात्र शुभम राजपूत का शव, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के साहिबाबाद में चलती एसेंट कार में लगी आग, 2 युवकों ने कूदकर बचाई जान। पलवल पुलिस ने रेप पीड़ित एक नाबालिग लड़की को दिल्ली के एक मदरसे से किया बरामद, 8 महीने से मदरसे में कैद करके रखी गई थी लड़की। कोर्ट में पेशी के वक्त रेप पीड़ित नाबालिग को फिर अगवा करने की हुई कोशिश, पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पलवल में नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर खुला था रेप का राज, आरोपी BSP नेता अभी भी फरार। गुरदासपुर पुलिस ने सुलझाई हेड कांस्टेबल पलविंदर के कत्ल की गुत्थी, बेटी नहीं प्रेमी और उसके दोस्त के संग मिलकर कराई थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को ख्यात नक्सली टोनुआ को दबोचने में कामयाब, पिस्तौल और कारतूस बरामद। अहमदाबाद में पति की हैवानियत का शिकार हुई एक पत्नी, सिगरेट से जलाने और निर्भय जैसी दरिंदगी का लगाया आरोप, आरोपी पति फरार। गुड़गांव में पैसों के लेन देन के विवाद में इंश्योरेंस कंसल्टेंट की हत्या, पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। मरकर भी कई जिंदगियां रोशन कर गए इंश्योरेंस कंसल्टेंट, हत्या के बाद परिजनों ने उसके सभी अंग दान किए थे, 7 लोगों की मिली जिंदगी। सिलीगुड़ी में एक चाय बागान में 2 हाथियों की मौत, करंट लगने का अंदेशा, जांच की जा रही है। बिहार के सुपौल के कर्णपुर गांव से एक ही रात में 10वीं क्लास की 3 छात्राएं गायब, सदर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज। बिहार के बेगूसराय में ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट, सोना चांदी सहित 30,000 कैश ले उड़े लुटेरे, भीड़ की गिरफ्त में आया एक लुटेरा पिटा। बिहार के गोपालगंज की मारुति स्विफ्ट में 5 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में अस्पताल में मिला नवजात शिशु का शव, बच्चे को मृत छोड़कर फरार हुई मां। मेरठ के कंकरखेड़ा में के घर के बाहर खेल रही बच्ची से रेप की कोशिश, शोर मचाने पर मौके से भागा आरोपी, पंचायत ने आरोपी को सुनाई 10 जूतों मारने की सजा। गुड़गांव में 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी को गिरफ्तार, 6 सितंबर को ही थी अगवा मासूम। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक पिता ने पैसों की खातिर अपनी ही बेटी की हत्या की, ससुराल वालों को दहेज हत्या में फंसाकर करना चाहता था वसूली, हुआ गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में डायरिया से पिता पुत्र सहित 6 लोगों की मौत, दर्जनों लोग अभी भी डायरिया की चपेट में। दिल्ली के मयूर विहार थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, कल्याणपुरी सब डिवीजन के ACP पर दलित नेता रामचरण के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। गाजियाबाद के आदित्य मेगा मॉल में युवक का शव मिलने से हड़कंप, नोएडा का रहने वाला था युवक। नोएडा के युवक की मौत पर घर वालों ने लगाया अपहरण और मर्डर का आरोप, छानबीन में जुटी पुलिस। कोल्हापुर गणेश विसर्जन के दौरान पलटी बोट, बीजेपी विधायक सुरेश हालवड़कर समेत 11 लोग पानी में गिरे लेकिन सुरक्षित बाहर निकाला गया, बच गया बड़ा हादसा। दिल्ली के करोल बाग में CPWD के 9 मंजिला फ्लैट की पानी की टंकी धमाके के साथ फट कर नीचे गिरी, जमीन पर हुआ गहरा 4 फीट का गड्ढा। आजम खान ने ओबामा मोदी के करीबी रिश्तों पर कसा तंज, बोले अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे PM नरेंद्र मोदी, अब यहां की राजनीति से उनका वास्ता नहीं।
गया में नहीं थम रहा है बाढ़ का और बारिश का कहर। नवागढ़ी इलाके में डहा 3 मंजिला मकान, गनीमत रही कि घर के सभी सदस्य उस वक्त बाहर। जलभराव के बीच गया में डेंगू ने पसारा पैर। ANMCH अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज भर्ती। गया में जलभराव पर पीड़ितों का प्रदर्शन, सड़क जाम करने और डीएम का घेराव करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 3 गिरफ्तार। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों के साथ राहत के नाम पर हुआ भद्दा मजाक, बांटी गई फटी हुई साड़ियां। मुरादाबाद में डेंगू के खिलाफ नायाब पहल, स्कूलों में पेंटिंग प्रदर्शनी के जरिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। शिमला में लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन, अनियमित पानी की सप्लाई से हम परेशान। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे मास्टर ब्लास्टर, परिवार के साथ किया दर्शन। मुंबई के माकेश्वर पंडाल में पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, गणपति के किए दर्शन। कपेश्वरम में 29.5 टन का लड्डू गणपति भक्तों ने बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने अवैध निर्माण को लेकर दर्ज कराई शिकायत। कपिल के बाद अवैध निर्माण के मामले में फंसे अभिनेता इरफान, बीएमसी ने भेजा नोटिस। अमेरिका में हो रही फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग, अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर पर फिल्माया जा रहा है गाना, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर श्रद्धा और अर्जुन ने लगाए ठुमके, सोशल साइट पर पोस्ट किया विश्वन। न्यूयॉर्क फैशन वीक में पहली बार शिरकत कर रही है जैकलिन फर्नांडिस, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। जर्मनी की एंजेलिक केर्बर ने जीता यूएस ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब, चेक रिपब्लिक की रोलिना को 3 सेटों में हराया। यूएस ओपन के मेन सिंगल्स का मुकाबला आज नोवाक जोकोविच की स्टेन वावरिंका से होगी टक्कर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने आईसीसी प्रमुख शशांक मनोहर पर लगाया आरोप, कहा बीसीसीआई के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं शशांक। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए कल टीम इंडिया का होगा ऐलान, सीरीज जीतकर टेस्ट रैंकिंग में फिर पहले पायदान पर आना है टीम इंडिया का मकसद। वॉशिंगटन में पुलिस की बेरहमी की तस्वीर सामने आई, मॉल की पार्किंग में साइकिल चलाने पर सुरक्षाकर्मियों ने 15 साल की लड़की के साथ की बदसलूक की। शनिवार से शुरू होगा हज, मक्का पहुंच रहे लाखों जायरीन। हज के मद्देनजर मक्का में कड़ा सुरक्षा पैरा, करीब 1 लाख फौजी दस्ते को किया गया तैनात। चीन में जल्द ही खुलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज, यूनान और गुइझाऊ प्रांत के बीच आवाजाही होगी आसान।